सब अभी पहुंचते थे भैया के मधुबनी जिला के एक चर्चित डॉक्टर हैं, तो और आप समाज सेवा में तत्पर हमेशा सर यहाँ पे तत्पर रहते हैं, तो इसके लिए सर अभी जो आपने जो सेवा कर रहे हैं इस इतने बड़े महामारी में, तो सर किस तरह की सेवा आप दे रहे हैं सर यहाँ पे मधुबनी जिला के वासियों के लिए या फिर खजौली विधानसभा के लिए? देखो, मैं एक चिकित्सक के रूप में 40 वर्ष से इस इलाके के लोगों का सेवा अपने प्रोफेशन से भी किया, और खास कर करके 2004 से मैं एक्टिवली पॉलिटिकल शरण में आकर करके, और उस हैसियत से भी मैंने आज तक समाज के लोगों के, खास करके मैं गरीब लोगों के लिए हर वक्त उनके लिए समझे आवाज़ बनने का काम करता हूँ। उनका जो हमसे संभव है वो सहयोग भी करते हैं, और जब कभी भी महामारी हो या समझिए कि बाढ़ आता हो या आपदा वाला जब भी समय आता है, तो मैं समाज के साथ जुड़ कर करके बगैर किसी स्वार्थ का मैं आज तक काम करता रहा हूँ, करते रहूँगा। एक बड़े चिकित्सक होने के नाते आपकी क्या एडवाइस है? ये एडवाइस जहाँ तक है, मैं तो अपने पंपलेट के रूप में हजारों पंपलेट पूरे क्षेत्र में बंटवाया है कि किस तरह से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, और कोरोना वायरस है क्या, इस संबंध में मैंने जानकारी पंपलेट के माध्यम से देता हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोरोना बीमारी एक वायरस बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, ना कोई उसका वैक्सीन है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि एक दूसरे से दूरी बना के रखना, कम से कम संभव हो तो दिन में 4 बार हाथ तो धोना ही चाहिए, और बाकी हाथ को समझिए कि सैनिटाइजर से वाश करते रहना चाहिए। ये 2 बड़ा महत्वपूर्ण है, दूरी बना के रखना और हाथ को साफ करके रखना, और बाकी तो जो इलाज की बात है तो एट रैंडम चलता है, ये दवाई वो दवाई, लेकिन कोई ऑथेंटिक दवाई आज तक नहीं है। यही दूरी बना के रखना, साफ सुथरा रह रहा, अभी तत्काल तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। ये यदि करते हैं तो निश्चित रूप से दूरी बना के मतलब हुआ कि एक दूसरे से चैन को ख़त्म करना, जो इन्फेक्शन आपके पास में है, यदि मैं आपके कांटेक्ट में नहीं आता हूँ किसी तरह से, आप किसी वस्तु को छूते हैं मैं उसको नहीं छूता हूँ, तो ये चैन ब्रेक होगा, और चैन ब्रेक हो गया तो अपने आप बीमारी समझिए कम होगा। ये सौभाग्य है हम लोगों का, बड़ी रेजिस्टेंस इतना है कि विश्व में जो चिकित्सा के माने क्षेत्र में विश्व के 1 नंबर कंट्री इटली पड़ता है, जहाँ आज लाश उठाने वाले की कमी हो गई, अपना रिश्तेदार भी उस बड़ी के पास जाने के लिए गई, जिसको JCV से समझिए दफनाया जाता है। अमेरिका जैसे जो अपने को बहुत शक्तिशाली और मिसाइल कंट्री कहते हैं, आज कहाँ चला गया उनका मिसाइल, कहाँ चला गया उनकी शक्ति। तो ये एक वायरल न समझिए कि वायरस न समझिए, समझ दुनिया को बता दिया है कि तुम नेचर से नहीं लड़ सकते हो। इसलिए ये सबको अपने विचार में, अपने व्यवहार में, आचरण में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, ये मेरे सोच में। सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर AP सिंह, वैसे मैं भारत विकास परिषद के उत्तरी बिहार का अध्यक्ष भी हूँ, और BJP से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता के रूप में। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।